श्री राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माता सबरी की कथा के बारे में जानेंगे। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अच के घर बेटी पैदा हुई थी। उनका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन जब शबरी की माँ उनके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतज़ाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर भी यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना विवाह होगा और ना ही बलि प्रथा, इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुँच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अब आप अपनी पूजा की सारी सामग्री की शॉपिंग घर बैठे पूजा करो के वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जहाँ आपको फर्स्ट परचेज पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा ये कूपन कोड यूज करके। साथ ही साथ आपके हर एक परचेज का कुछ हिस्सा हम डोनेट करेंगे हमारी गंगा माँ के क्लीनिंग प्रोजेक्ट में। तो हमें उम्मीद है कि आप भी पूजा करो का साथ देंगे इस नेक काम में। अब आगे की कहानी एंजॉय कीजिए। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने जैसा कौन कर रहा है। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ रहा है। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुँचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ, बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ, आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी, आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वे कौन हैं और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, स्वयं भगवान है, वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे, तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा, तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल
लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना सबरी की इस तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के तालाब से सबरी पानी लेने गई, तभी पास से ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भगाने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शरीर को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई, तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पा रहा था और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना से कई सालों बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही रहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी बस जस का तस ही रहा। तब भगवान राम ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है, तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़कर लाई और चख चख कर उन्हें बेर खिलाने के लिए देने लगी। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिया। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया झूठे बेर इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़ कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हैं। सबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए ही जी रही थी, अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम से भी जाना जाने लगा।